हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स से है, राइट? तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं हम पहले के अपने वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, राइट? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एंड जेड एक्सेस, राइट? तो यहाँ पर हमें उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दो प्लेन्स के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से पास होता है, राइट? और एक एडिशनल कंडीशन यहाँ हमें दी हुई है कि वो प्लेन जो है, जिस प्लेन की हमें इक्वेशन चाहिए, वो प्लेन जो है एक्स और जेड एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट जो है बनाता है। तो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, उसका भी हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्लेन है उसे हम P1 ले लेते हैं। तो ये है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और जो दूसरा प्लेन है वो है P2, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट? तो मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये केवल रफ डायग्राम है, और दूसरा प्लेन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, राइट? तो यहाँ पर ये दो प्लेन्स हो गए हमारे पास। इस प्लेन को हम P1 कह सकते हैं, इस प्लेन को हम P2 कह सकते हैं, राइट? और ये दोनों प्लेन जो है वो इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लाइन जो है, दिस लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, राइट? तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, वो प्लेन जो होगा वो इस लाइन के थ्रू पास होगा, राइट? सो द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इट लुक्स लाइक दिस। तो ये प्लेन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो ये प्लेन को हम मान लेते हैं P, राइट? सो P इज द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स P1 एंड P2। तो इस तरीके का जो प्लेन होता है उसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट? सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट? तो यहाँ जो लैम्डा होगा वो एक स्केलर है और इस लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, राइट? तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एडिशनल कंडीशन की ज़रूरत होती है, जो एडिशनल कंडीशन यहाँ पर हमें ये वाली दी हुई है, राइट? तो जो प्लेन है वो इन दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर, राइट? तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन का भी यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट? तो अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में लिखना है तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू वन, राइट? तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, राइट? तो चलिए इसको हम बाद में यूज़ करेंगे लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए, और सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन में आते हैं। तो P1 की जगह हम रखते हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फाइव और यहाँ पर हम P2 की जगह रख लेते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड प्लस वन, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर हम वन प्लस थ्री लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस टू माइनस टू लैम्डा वाई प्लस थ्री
माइनस लैम्डा जेड प्लस माइनस फाइव प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने जो ये प्लेन पी है इसकी इक्वेशन जो होगी वो इन दो इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से दी जा सकती है, राइट। तो लैम्डा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में आ गई है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को, चलिए इस इक्वेशन को वन मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इसे वन प्लस थ्री लैम्डा एक्स प्लस टू माइनस टू लैम्डा वाई प्लस थ्री माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस फाइव, राइट। और दोनों तरफ अब हम लैम्डा माइनस फाइव से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वन प्लस थ्री लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव टाइम्स एक्स प्लस टू माइनस टू लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव वाई प्लस थ्री लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू वन, राइट। तो चलिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। तो अब देखिए जो इक्वेशन नंबर टू है ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के सिमिलर है, राइट। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वन ओवर ए, राइट। यहाँ पर क्या है, वन ओवर ए, वन ओवर ए जो है वो हमें मिल जाएगा वन प्लस थ्री लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव, राइट। और वन ओवर बी हमें मिल जाएगा टू माइनस टू लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव, और वन ओवर सी हमें मिल जाएगा थ्री माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस फाइव, राइट। तो अब इन तीनों इक्वेशन से अगर हम ए की वैल्यू लिखें तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा माइनस फाइव, यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे, लैम्डा माइनस फाइव ओवर वन प्लस थ्री लैम्डा। बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी लैम्डा माइनस फाइव ओवर टू माइनस टू लैम्डा, एंड सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी लैम्डा माइनस फाइव ओवर थ्री माइनस लैम्डा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ए बी सी हैं ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो हैं प्लेन के द्वारा जो इंटरसेप्ट एक्सिस के ऊपर बनाए गए हैं उसकी लेंथ है, राइट। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है। तो अब देखिए प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एंड जेड एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो ये जो प्लेन हमें जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है प्लेन पी की, ये प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो क्या, उसकी लेंथ कितनी है, ए है, राइट। सिमिलरली इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू बी एंड इंटरसेप्ट मेड ऑन जेड एक्सिस इज गिवन बाय सी, राइट। तो ए बी सी जो होंगे वो इंटरसेप्ट्स की लेंथ होगी। तो यहाँ पर जो एक्स और जेड एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसकी लेंथ इक्वल है, यानी कि हमें ए इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, राइट। तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है, जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट सी है, तो ए की वैल्यू सी की वैल्यू के बराबर होगी। तो अब हमारे पास ए जो है वो है लैम्डा माइनस फाइव ओवर वन प्लस थ्री लैम्डा, एंड सी इज लैम्डा माइनस फाइव ओवर थ्री माइनस लैम्डा, राइट।
तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 5 टाइम्स 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 5 3 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 5 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो लैम्डा माइनस 5 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमें हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा एंड माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 5 एंड दिस इज 3 माइनस 1 इज 2 एंड माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू 5 और यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 ओवर 4 दैट इज हाफ, राइट। सो लैम्डा की हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। तो अब हम इस प्लेन पी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 5 और हाफ लेकर। तो चलिए सबसे पहले 5 लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10y माइनस 5z एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 15 एंड दिस इज 1, सो वी हैव 16x। देन वी हैव 2 माइनस 10 इज माइनस 8y, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 एंड माइनस 5 प्लस 5 गेट कैंसल्ड, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 8x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पर तो प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट। तो चलिए अब लैम्डा की वैल्यू हाफ रखकर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लैम्डा की जगह हाफ रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 प्लस हाफ एंड दिस इज 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 10 प्लस 3x माइनस, यहाँ पर 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x एंड 3x इट बिकम्स 5x, देन 4y एंड माइनस 2y दैट इज प्लस 2y एंड हियर वी हैव 6z माइनस z दैट इज 5z एंड माइनस 10 प्लस 1 इज माइनस 9, राइट। तो हमें लैम्डा इज इक्वल टू हाफ लेने पर ये इक्वेशन मिली, राइट। और जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 था तो हमें इक्वेशन मिली थी 8x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 पर। सो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे हमें यहाँ डिस्कस करना है, राइट। देखिए यहाँ पर जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 पर हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करी तो देखिए हमें क्या मिला, 8x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो है उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास होगा, राइट। ओरिजिन से जो पास करेगा, बिकॉज
यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। तो ये प्लेन की इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, इसलिए ये प्लेन जो होगा वो किसी भी एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा, राइट। तो इसलिए हमें इस इक्वेशन को हमें डिस्कार्ड करना होगा, राइट। सो वील डिस्कार्ड दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है कि जो प्लेन इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्स और जेड एक्सिस पर, लेकिन जो लैम्डा इक्वल टू 5 लेकर जो प्लेन की इक्वेशन हमें मिलती है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो इट मींस दिस प्लेन डज नॉट मेक एनी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। तो हमें लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 को ही कंसीडर करना होगा और इसे हमें डिस्कार्ड करना होगा। तो जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी प्लेन की, इस प्लेन पी की, वो हो जाएगी 5x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये होगा। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये प्लेन जो है वो एक्स और जेड एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस जेड ओवर c इज इक्वल टू 1 फॉर्म में। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 5x ओवर 9 प्लस 2y ओवर 9 प्लस 5z ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x ओवर 9 ओवर 5 प्लस y ओवर 9 ओवर 2 एंड दिस इज z ओवर 9 ओवर 5, राइट। और जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, यानी कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू 9 ओवर 5, b की वैल्यू हमें मिलती है 9 ओवर 2 और c की वैल्यू हमें 9 ओवर 5 मिलती है। तो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ 9 ओवर 5 है, y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ 9 ओवर 2 है, और जो z एक्सिस पर इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ है 9 ओवर 5। तो ये दोनों इक्वल हैं, राइट। और यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।